हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन इज कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो ऑल का बटन है उसको दबा दीजिएगा, बेल को बटन दबाने के बाद, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है बहुत ही खास उन लोगों के लिए जो सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड है, ग्रीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड है, या सिक्स सिग्मा के अलावा और भी किसी तरीके का डेटा एनालिसिस करते हैं। आप लोगों को पता है कि सिक्स सिग्मा में हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक टूल है जिसको यूज़ किया जाता है, और सिक्स सिग्मा के लोग तो इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कई बार डेटा वैलिडेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक्सेल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कर सकते हैं। अभी तक इसके लिए सारे लोग मिनीटैब का यूज़ करते थे या बहुत ही लेंथी फॉर्मूला था जिसको यूज़ करके वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कर पाते थे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं दोनों टेस्ट मिनीटैब एंड एक्सेल दोनों टेस्ट करने के बाद आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि दोनों ही डेटा में किस तरीके का डिफरेंस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। वैसे जिन लोगों ने सिक्स सिग्मा का कोर्स किया हुआ है उनके लिए बताना बहुत नई बात नहीं है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, लेकिन अगर बाकी लोग भी जानना चाहें तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सकते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली एक टेस्ट है जिसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मान के उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। इसको इन्वेंट करने वाले जो इंजीनियर थे उनका नाम था विलियम सिलेगोसे, जो 1876 से 1937 के बीच में रहे। जब ये गिनीज ब्रूइंग कंपनी, जो कि डबलिन में काम कर रही थी, वहां पे जब ये काम करते थे तो कुछ टेस्ट को करने के लिए इन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया था। लेकिन वहां पे इस तरह के किसी भी कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि इस तरह के किसी भी डेटा को आप पब्लिश नहीं कर सकते थे, कहीं पे दिखा नहीं सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने इस टेस्ट का एक निकनेम बनाया जिसको बोला स्टूडेंट टेस्ट, मतलब स्टूडेंट, और इसको टी टेस्ट दिया। तो स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से ये इन्वेंट हुआ और इसी नाम से ये डेवलप हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इस टेस्ट को करने के लिए, चूंकि डाटा साइज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने स्मॉल सैंपल लिया। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक ये भी बेनिफिट है, तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा लाइक 50, 100 या 200 डेटा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम डेटा में भी आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली थ्री टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं। जैसा कि है पहला टेस्ट वन सैंपल टी टेस्ट। इसको हम लोग वन सैंपल टी टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा होता है किसी एक सोर्स से हमें मिलता है, किसी एक मशीन से, किसी एक प्रोसेस से, किसी एक लाइन से, किसी एक सप्लायर से। और अगर ऐसा डेटा मिलता है और उसको आप किसी एक मीन वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं कि ये मीन से ज़्यादा है, मीन से कम है, या मीन के को क्वालिफाई करता है कि नहीं, तो अब हम इस वन सैंपल टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। दूसरा है टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा किसी दो सोर्स से मिलता है, दो मशीनों से मिल सकता है, दो प्रोसेस से मिल सकता है, दो सप्लायर से मिल सकता है, किसी भी दो एरिया से डेटा मिल सकता है, एंड उन दोनों को आप आपस में कंपेयर करते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या इनमें कोई वेरिएशन है, कोई डिफरेंस है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा पेयर्ड टी टेस्ट का। पेयर्ड टी टेस्ट उस वक्त किया जाता है जब दोनों ही सोर्स को आपस में कंपेयर किया जाए और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। लाइक एक प्रोडक्ट है, उसमें आपने कुछ एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करने के बाद, इंप्रूवमेंट करने के बाद दोबारा से उसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम पेयर टी टेस्ट करते हैं। अगर वन सैंपल टी टेस्ट के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो लाइक आप डिलीवरी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं किसी एक सप्लायर का, किसी मीन के अगेंस्ट में, किसी एक पार्ट का क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं इंडस्ट्री मीन के अगेंस्ट, कोई प्रोसेस का साइकिल टाइम चेक कर रहे हैं बेंचमार्क मीन के अगेंस्ट में, या केमिकल कंपोजिशन किसी बैच का मेजर कर रहे हैं किसी सप्लायर ने जो वैल्यू दी है उसके अगेंस्ट में। यहाँ पे सारे में आप देख सकते हैं कि वन ही सोर्स है डेटा का और उसको हम मीन से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ सेकेंड टाइप एग्जाम्पल इज टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट जब आपके पास दो तरीके से डेटा आते हैं, दो सोर्स से डेटा आते हैं, लाइक वन सप्लायर वर्सेज अनदर सप्लायर, वन पार्ट अनदर पार्ट, वन प्रोसेस वर्सेज अनदर प्रोसेस, वन बैच वर्सेज अनदर बैच। तो ये दो तरह के सैंपल्स होते हैं जहां पे आपको दो सोर्स से डेटा मिलता है। नाउ थर्ड टाइप है पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट मैंने बताया कि जब आपने एक सप्लायर को दूसरे सप्लायर से कंपेयर कर रहे हैं डिलीवरी परफॉर्मेंस का विद रेफरेंस टू टाइम, कि ये उस दिन आया था और दूसरा डेटा हमारे पास कुछ दिनों बाद आया था,
या किसी पार्ट में आपने इंप्रूवमेंट किया, तो बिफोर इंप्रूवमेंट एंड आफ्टर इंप्रूवमेंट आप पेयर कंपेरिजन कर रहे हैं। मीन साइकिल ऑफ सेम प्रोसेस फ्रॉम टू डिफरेंट शिफ्ट, एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट और उसको कंपेयर कर रहे हैं, या एक सेम बैच का डेटा आज और फिर 10 दिन 15 दिन रखने के बाद आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से पेयर टी टेस्ट को हम लोग एग्जामिन करते हैं और उससे अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें कि कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को लेके मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मिनिटैब एंड एक्सेल शीट दोनों करके दिखाता हूं। तो मान के चलते हैं ये एक बैच है, एक सप्लायर ने कुछ मटेरियल दिया है बैच वन और बैच टू का, और उसमें कहता है कि इस बैच में जो केमिकल कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से रीडिंग्स आई, और जो बैच टू का केमिकल कंपोजिशन है कुछ इस तरह के रीडिंग्स आई, बट सप्लायर ने कहा कि दोनों में बिल्कुल सेम है सर, आप यूज कर लो, आंख बंद करके यूज कर लो, मैं आपको सालों से ऐसा मटेरियल दे रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बैच सेम है। तो आपने कहा कि भाई सप्लायर ने भेजा है तो एक बार कंपेयर करना चाहिए, वी नीड टू वैलिडेट इट। तो वैलिडेट करने के लिए आपने दोनों ही बैच में से कुछ प्रोडक्ट निकाले और उसका केमिकल कंपोजिशन चेक किया। अब केमिकल कंपोजिशन चेक करने के बाद अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज डेटा कुछ भी आ सकता है और उसके बेस पे आप मान सकते हो कि ये सही है, बट दैट इज नॉट द राइट मेथड। उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स के पीछे जाना होगा। स्टैटिस्टिक्स को लेने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों 10 डेटा निकाले और इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये मान के चलना होता है कि HO क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको ये माननी होती है कि दोनों बैच मेरे इक्वल है। आप पहले गलत मानोगे नहीं, इसमें आपको ये थंब रूल याद रखना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कभी भी हम पहले गलत नहीं मानते हैं, पहले उसको सही मानते हैं। तो HO में हमने माना कि द एवरेज परसेंटेज ऑफ केमिकल इन बैच वन एंड बैच टू आर इक्वल, एंड उसका अल्टरनेटिव आप क्या होगा, अल्टरनेटिव नॉट इक्वल, तो द एवरेज परसेंटेज ऑफ केमिकल इन बैच वन एंड बैच टू आर नॉट इक्वल। सैंपल साइज हमारे पास कितने थे, 10, एंड कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे हम लेते हैं 95%। कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे हम लोग को अल्फा वैल्यू मिलती है, 95% कॉन्फिडेंस है तो अल्फा वैल्यू होगी 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 100 जो कि 0.05 आती है। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं जरा मिनिटैब की तरफ। इस सेम डेटा को यूज करके हम लोग मिनी टैब पे निकालेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए मेरे साथ मिनी टैब पे। नो, ये आपको मिनी टैब का स्क्रीन दिख रहा है। इस मिनी टैब के स्क्रीन में मैंने ये बैच वन और बैच टू के 10 सैंपल्स ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे स्टैट में जाना है। स्टैट में जाने के बाद आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है एंड देन टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलता है ईच सैंपल इन इट्स कॉलम। तो ये मैंने सेलेक्ट किया C1 बैच 1 ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और चूंकि मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ। तो आप जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा C1 और यहाँ पे आपका C2। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे 95 पहले से फिल है, कई बार ऐसा होता है कि आपको फिल करना पड़ता है, अगर वो 99 आप ले रहे हो तो 99 कर दोगे, अदरवाइज आपको 95 से ही यहाँ पे काम चलाना है। यहाँ पे अगर दूसरी चीज देखें, हाइपोथेसिस डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमने क्या माना है, दोनों इक्वल है, इट मींस देयर इज नो डिफरेंस, जीरो। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू हाइपोथेसिस डिफरेंस, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, दोनों डिफरेंस लेस है या डिफरेंस ग्रेटर है, तो हम लोग मान के चलते हैं इक्वल नहीं है, ये लेना है। यहाँ पे एक हमने अज्यूम इक्वल वेरियंस किया है क्योंकि इसके लिए एक अदर टेस्ट होता है, एक अदर टूल यूज होता है मिनी टाइम में ही, वो हम लोगों ने पहले से कर लिया, बट उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ रहे हैं। अब इसको ओके करने के बाद जब मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरी रिजल्ट की स्क्रीन आ गई। ना आप देख सकते हैं रिजल्ट की स्क्रीन क्या है, बैच वन में 10 डेटा थे, बैच टू में 10 डेटा, उसका मीन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, ये आपको निकल के आ गया। उसके बाद आपको दिखता है टी टेस्ट फॉर डिफरेंस, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे डिफरेंस कितना है, 0.498 एंड 1.922। टी टेस्ट टी वैल्यू हमारी 3.57 है और जो पी वैल्यू है, मेन चीज हमें देखना है कि पी वैल्यू 0.002। पी वैल्यू क्योंकि 95% हमने कॉन्फिडेंस पे लिया था तो पी वैल्यू हमारी अल्फा वैल्यू से ज्यादा आनी चाहिए। तो अल्फा वैल्यू क्योंकि 90 आपने जो कॉन्फिडेंस लिया था वो लिया था 95%,
तो आपकी अल्फा वैल्यू होती है 0.05 और आपकी पी वैल्यू आती है 0.002। इसका मतलब क्या है कि पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से कम है, तो जो हमने एच ओ में माना था उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इट मींस दोनों बैच इक्वल नहीं है। माने अगर ये पी वैल्यू ज्यादा आ जाती, ये आती 0.10 आ जाती, तो इसका मतलब पी वैल्यू मेरी अल्फा वैल्यू से ज्यादा है, जो एच ओ में मैंने माना था वो सही है, दोनों बैच इक्वल है। ओके, बट नाउ ये आ रही है पी वैल्यू कम। अब एक बार चलते हैं एक्सेल पे सेम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सेल पे टेस्ट करने के लिए मैंने अगेन सेम वैल्यू बैच वन बैच टू की वैल्यू यहां पे लिख ली है। बैच वन बैच टू की वैल्यू लिखने के बाद मुझे डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आप साइड में यहाँ पे देख रहे हैं डेटा एनालिसिस का मैंने पैक एक्टिवेट कर रखा है। अगर आपको ये एक्टिवेट करना आता है, आपके में एक्टिवेट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं जल्दी से आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एक्टिवेट कैसे होता है। सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। सो यू नीड टू क्लिक मोर ऑप्शन और यहाँ पे ऑप्शंस वर्ड आता है। जैसे ही आप ऑप्शन वर्ड पे क्लिक करते हैं ये विंडो आपकी ओपन होती है और यहाँ पे आपको एडिंस पे जाना होता है। आप जब एडिंस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स लेता है विंडो ओपन होने में। नाउ ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक्टिवेट एप्लीकेशन एड इन है, ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है। अगर आप एक्टिवेट नहीं होगा आपके में तो ये यहाँ पे होगा इनएक्टिव एप्लीकेशन एड इन में। जैसे आप उस पर इनएक्टिवेट पे क्लिक करोगे, सपोज ये वाला मेरा मान लीजिए यहाँ पे होता, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मुझे गो पे जाना है और गो जाने के बाद ये देखिए एनालिसिस टूल पैक मेरा एक्टिवेट है। अगर नहीं होता तो मैं इस पे क्लिक करता, ओके करता और ये कुछ मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाता। ठीक है, तो ये आप एक्टिवेट कर लीजिएगा तभी ये काम कर पाएंगे। नाउ अब आपको डेटा एनालिसिस से जाना है। डेटा एनालिसिस से जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट है, एनोवा है आपका, कोरिलेशन है, एफ टेस्ट है, हिस्टोग्राम है आपका, मूविंग रेंज डायग्राम, रिग्रेशन एनालिसिस और लास्ट में आपको आता है टी टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरियंस, क्योंकि यही मिनी टैब में किया था, उसको सेलेक्ट करना है। नाउ इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैंने जब ओके किया तो एक विंडो मेरी ओपन होगी। करेक्ट, ओके, तो ये मेरी विंडो ओपन हो गई। यहां से पहले से मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। वेरिएबल वन कहाँ पे है मेरा? वेरिएबल वन मेरा है यहाँ पे, तो इसको मैं वेरिएबल वन में सेलेक्ट कर लूंगा। वेरिएबल टू मेरा कहाँ पे है? इस कॉलम में है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मेरा हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस क्या है? दोनों जीरो है, तो यहाँ पे जीरो मैंने मेंशन कर रखा है और अल्फा वैल्यू ऑटोमेटिक 0.05 है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अगर 99% कॉन्फिडेंस है तो वन हो जाएगा, अदरवाइज राइट नाउ फाइव रहेगा। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, न्यू वर्कशीट प्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद ये आपका एक नए शीट पे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, नाउ अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊं मिनी टैब के साथ, ओके, अगर आप बैच देखो तो बैच वन का जो मीन है 58.193, 58.193, बैच टू का मीन है 56.983, 56.983, सेम मीन आ रहा है। उसके अलावा बाकी कुछ चेंजेस है, आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी है। अब आपको सीधे जाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी 18 है। हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस हमने जीरो लिया हुआ था, जीरो लिया हुआ था, करेक्ट टेस्ट डिफरेंस फॉर जीरो। एंड जो अपनी टी वैल्यू है, यहाँ पे आपने जो टी स्टैटिस्टिक निकाला था 3.57, सेम 3.57 है। और जो पी वैल्यू यहाँ पे निकली थी P.002 पी वैल्यू फॉर टू टेल, क्योंकि दोनों डेटा वेरिएशन है तो ये टू टेल का हमें लेना है। पी वैल्यू फॉर टू टेल इज 0.002। तो देखा आपने एक्सेल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो मिनी टैब पे किया दोनों के रिजल्ट सेम है, तो आप एक्सेल पे भी बहुत आसानी से ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मिनी टैब एंड एज वेल एज इन एक्सेल। प्लीज यूज दिस एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल डेटा एनालिसिस वैल्यू एंड टेल मी।
थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।